यहाँ पे कैसे आया? ओके डू 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, वेकअप वेकअप। कल रात को तुम सो गई थी, उठ जाओ, सुबह हो गई। आप भी सो गए थे। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं इतना देर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घर वालों को भी बताया नहीं है जाने का। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं और सिर्फ मम्मी को पता है, और आगे की बातें अपन आगे जाके करेंगे। ये घर से चुपचाप निकल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ सबको तुमने उठाया है, तुमने उठाया है सबको। आधार कार्ड ले लिया, लाइसेंस ले लिया। जाते हैं भाई। तो खुल दे, बाहर तो नहीं आएगा, देख के भरना। अभी पेट्रोल है वो भरवा दिया बाइक के अंदर और जीरो कर दिया है ट्रिप मीटर को। और यहाँ से थोड़ा दूर जब तक उजाला नहीं होता तब तक हम ड्राइव राइड करेंगे, और राइड करने के बाद में जब उजाला हो जाएगा तब एक कोई ढाबे पे रुकेंगे, चाय पियेंगे। जल्दबाजी में निकल तो गए लेकिन मैं अपना राइडिंग वाला जैकेट लेना भूल गया, और इस टाइम हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। सोचा नहीं था कि सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी होगी, और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अराउंड 35 से 40 किलोमीटर हम आगे हैं। यहाँ पर चाय पीने के लिए रुकना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मैंने एक और जो अपना शर्ट है उसको मैंने डाल लिया, उसको मैंने पहन लिया अभी ऊपर, ठंड नहीं लगे। फिर जो है सूरज अभी ऊपर आने वाला है, सूरज के आते ही अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो ब्रेक थोड़ा बनता था। मैं तो लॉन्ग राइड्स करता रहता हूँ लेकिन नेहा के लिए फर्स्ट लॉन्ग राइड होने वाली है, थोड़ी ज़्यादा लंबी भी होने वाली है। भाई अभी 15 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं सिरोही, वहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने 160 किलोमीटर अराउंड कंप्लीट होने वाले हैं, तो ब्रेक के बाद में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, और वहाँ पर बैठ करके बताएंगे कि सीन क्या था और अभी का क्या प्लान चल रहा है, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर अगर बात करें हाईवे की तो हाईवे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मेरा स्पीड जो रहा है बाइक का वो 100 से 125, ये ही स्पीड मैंने मेंटेन करके चला हूँ मैं। और सुबह की जब जर्नी जो होती है बाइक की वो एकदम परफेक्ट होती है, मतलब टाइम कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, और आप अच्छा खासा एक डिस्टेंस जो होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी फाइनली जो ब्रेकफास्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और सुबह जो हम जो निकल रहे थे चुपचाप, जो नेहा कह रही थी चुपचाप निकलना है, तो ये था कि रात को बताया था मम्मी को कि हम लोग सुबह जल्दी से निकलने वाले हैं, और पापा को बिल्कुल नहीं बताया था मैंने, थोड़े दिन पहले उनको मैंने बताया था, लेकिन उसमें पापा ने मेरे को मना ही किया था क्योंकि वो कह रहे थे कोरोना का टाइम चल रहा है और बाइक पर तो स्पेशली जाना नहीं है। अराउंड 4:45 तक वो जग गए थे और उन्होंने पूछा मेरे को कि गौरव कहाँ जा रहा है अभी, तो फिर मैंने बोला कि कहीं नहीं, कुछ मैंने बोला ही नहीं, मैं चुपचाप मैं किचन में चला गया, और किचन में जाने के बाद मैंने नेहा और मैं एक दूसरे को देख के हंस रहे थे कि ये पापा को तो जान पड़ गया कि हम उठ गए हैं। फिर लेकिन पापा ने फिर खुद ने ही बोल दिया कि कहाँ माउंट आबू जा रहा है, मैंने कहा हाँ, तो फिर वो बोले कि कार लेके चला जा, मैंने कहा कि कार लेके नहीं जाना है अभी, बाइक पे जाएंगे, क्योंकि यार गाइस जो है ना बाइक का जो फन है एक वो एक अल्टीमेट फन होता है, और यही टाइम होता है बाइक की लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि बुढ़ापे थे या थोड़ा टाइम पहले मतलब कार चलानी है, लाइफ लॉन्ग चलानी है कार, तो इसलिए अभी जो समय है वो बाइक का सही रहेगा। तो गाइस अभी हम लोग आगे हैं माउंट आबू, माउंट आबू आए पर थोड़ा टाइम हो गया, हमने यहाँ पर फ्रेश होने के बाद में थोड़ा रेस्ट कर लिया है, रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने किलोमीटर राइड किया है बाइक के ऊपर, और बाइक की जर्नी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन नेहा को थोड़ी सी थकान हो गई थी, इसलिए थोड़ा रेस्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो राइड थी अराउंड ये थी 300 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर ऐसे कि हम लोग थोड़ा आगे निकल गए थे माउंट आबू से, तो फिलहाल अभी हम लोग फ्रेश हो गए हैं, और फ्रेश होके हम लोग जा रहे हैं, रेस्ट भी हो गया अच्छे से। साइट सीन करने के लिए हम लोग जाएंगे अभी आसपास के जो भी लोकेशंस है, जैसे नक्की लेक, और उसके बाद में सनसेट को हम देखने के जाएंगे सनसेट पॉइंट पे। और ये रूम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बब्बस डैन, पूरा डैन के टाइप में लुक दे रखा है इन्होंने। और ये देखिए आप, ये जो रॉक है, ये रॉक रियल में एक
केव टाइप से है और ये रियल रॉक है जिसको थोड़ा अच्छे सा लुक दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने बेड लगा रखा है, बिग किंग साइज बेड। तो चलते हैं अपन साइड सीन पे और मिलते हैं आपसे साइड सीन पे नक्की लेक पे। गाइस ये है माउंट अबू की मॉल रोड। राजस्थान का ये गाइस एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि अरावली रेंज के अंदर आता है और अभी जो आप देख रहे हैं ये नक्की लेक, तो ये बोटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप आके बोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कोई बोटिंग करने का हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है, यहाँ पर फालतू का हमको थकना नहीं है, तो यहाँ से भी हम लोग जाएंगे आगे सनसेट पॉइंट पे, वहाँ पर जाकर के हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ बैठेंगे। सनसेट वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखता है, प्लस यहाँ पर एक टॉट रॉक भी है जो कि टॉटाइज जैसी दिखती है। आपको मैं अभी वीडियो में बताऊंगा ये टॉट रॉक कैसी दिखती है। पैदल जाना पड़ेगा क्या? अरे यार 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। चलो ठीक है। यहाँ पर जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। पहले यहाँ पर जब आया था 2017 के अंदर तो उस टाइम अलाउ था यहाँ बाइक आना, और अभी पता नहीं शायद कोविड के चक्कर में पता नहीं है क्या रूल रेगुलेशन है अभी यहाँ का, तो बाइक का वहाँ पर अलाउ नहीं है, तो हम पैदल जा रहे हैं। एडवेंचर करवा रहे हैं मुझसे, पहले मुझे कॉर्बेट लेके गए, वहाँ मुझे जंगल में चिल छोड़ा है फिर मेरे को ना पहाड़ों पे ले गए हिमाचल, और वहाँ मुझे ले जाके गिर गंगा छोड़ा है, और अब मुझे यहाँ पे देखो अभी फील आ रहा है गिर गंगा का, गिर गंगा का फील आ रहा है। सुबह देखो मुझे बाइक पे ले आए जो मैं आना ही नहीं चाहती थी तो सारे एडवेंचर अभी हो जाएंगे। बक्के आई and the one of the best view of Mount Abu from up here. कैमरा ऑन करने से कुछ नहीं होता, ये सच है। क्या? सारा संसार जानता है। क्या सच है? ये गुरु मेरा माता का। तो तुम थक जाती हो? लोगों के सामने थक जाती है, सो जाती है, टिंग टिंग टिंग। अरे मैं तुमको कर रहा हूँ अभी। क्या? You know, strong बना रहा हूँ तुम्हें। इसलिए मैं तुमको बाइक पे लेकर गया हूँ, तुमको वीर जवान बनाएंगे। यहाँ आराम से ना, ये थोड़ा स्लिपी है ये, ठीक है स्लिप हो जाए। हाँ पसीना में डालेंगे। टॉट रॉक का जो था ड्रीम वो कंप्लीट हो चुका है नेहा का। एक्चुअल में मेरा वो ड्रीम था, क्योंकि मैं जितनी बार भी यहाँ पर आया हूँ मैं अराउंड 5 से 6 बार आ चुका हूँ माउंट अबू, लेकिन अभी तक मैं टॉट रॉक नहीं गया। जब भी मैं देख रहा था कि वो टॉटाइज टाइप का क्या है, तो क्यों मेरा मन हुआ कि वहाँ पर जाके देखेंगे कि टॉट रॉक आखिर क्या है ऊपर। वो जाने की जगह नहीं है, फिर भी हम जाएंगे। नहीं जाने की जगह है, लेकिन इंसान थोड़ा है ना ज़्यादा थक जाता है, ऐसे हो जाता है इंसान थकने के बाद। और अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट, ये वाला थोड़ा अलग लोकेशन में आता है सनसेट पॉइंट, और एक और जो आता है वो लेफ्ट साइड में उधर आता है, लेकिन वहाँ का हमने अभी छोड़ दिया है। इधर का मैंने अभी तक देखा नहीं सनसेट पॉइंट, तो अभी हम वहाँ देखेंगे। कुछ मेरे लिए भी कुछ नया होना चाहिए। ये लड़की परेशान हो गई है, नंगे पांव जल रही है। क्या बोल रही थी तुम? ये देखना मैं तो ऊपर गई थी, इतना ऊपर हद्दी हो गई। हाँ तो बेस्ट पॉइंट है यहाँ का, बेस्ट व्यू आता है वहाँ से। टॉट रॉक जाने के बाद में हम सनसेट देखने के लिए 15 से 20 मिनट और चले, लेकिन सनसेट देखते ही जो सारी जो थकान थी वो ख़त्म हो गई। ये जो नज़ारा था, जो ये व्यू था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। होप गाइस आपने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हुआ इस जर्नी को। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो।